टू द अनदर ब्लॉग एंड आई एम सॉरी मास्क नहीं पहना बिकॉज मैं घर के अंदर ही हूँ, बट अगर आप बाहर जाएं तो प्लीज़ मास्क पहनिएगा और जेब में एक सैनिटाइजर रखिएगा। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, हमको कोरोना को हराना है। बट अभी गर्मी है तो आइस टी हो जाए। वैसे कैसे हैं आप लोग? अभी वीडियो बनने वाला है इसके बारे में, गैजेट्स जो मैं खुद यूज़ करता हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए, बाइक्स पे कैसे मैं व्लॉग करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं बाइक पे नहीं हूँ जैसे अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आज पूरी एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। होप यू लाइक इट। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए अबाउट बोथ दी गोप्रोस तो कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँ। सो गाइस, जैसे आप अलग अलग हिसाब से वीडियोस होता है, व्लॉग्स होता है, तो अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं या फिर बाइक्स पे व्लॉगिंग करते हैं तो क्या होता है, DSLR इज़ वेरी हैवी, जो कैरी करने में बड़ा डिफ़िकल्टी होता है, प्लस उसमें शेक्स बहुत होते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था SJ Cam से, बट उसकी क्वालिटी मेरे को इतनी नहीं पसंद आई, तो मैंने अपग्रेड किया था GoPro Hero 5 Black से, जो अब मैंने रिसेंटली इसके साथ GoPro Hero 8 Black जो है वो ले लिया था। एक बार आपको मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ इसकी क्वालिटी से। ये हो गया था Hero 5 Black। अब चलते हैं Hero 8। इसके तो कपड़े भी हैं, जिसको कपड़े पहना रखे हैं। अब इसकी क्वालिटी देखते हैं। ये हीरो 8 ब्लैक है, ये इसकी क्वालिटी। दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सेंसर्स में और क्वालिटी में, बट दोनों आप परचेज कर सकते हैं। वो पुराना मॉडल है, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है। बजट के ऊपर है था, आप SJ Cam पे भी जा सकते हैं, बट मेरे पास GoPro Hero 5 Black आ गया था तो मेरे को SJ Cam की क्वालिटी बिल्कुल भी मैच कर नहीं रही थी GoPro के साथ। अभी ये है मोनोपोड, इस पर आप अपना GoPro भी माउंट कर सकते हैं, फ़ोन भी माउंट कर सकते हैं, और उसको होल्ड करके आप वीडियोस बना सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। स्टेबल करता है और अच्छा मज़ा आता है इसके साथ, और वेट भी नहीं बढ़ता है तो आप स्टेबल रहते हैं एक बार के लिए। तो मोनोपोड के ऊपर एक किया आता है एडिशनल एसेसरी, जिसके बाद आप GoPro को सेट कर सकते हैं। एंड देन यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। कैसे हैं आप? दिस इज चेस्ट माउंट। जब मैंने GoPro Hero 8 Black लिया था तो मेरे को काफ़ी सारी एसेसरी साथ में मिली थी, जिसमें से कि चेस्ट माउंट है, जो आप पेन के कैसे पहनते देखना पड़ेगा। सो दिस इज द चेस्ट माउंट। आप इसको पहन के ट्रैवल व्लॉग्स भी कर सकते हैं, कि कोई से भी तरीके का व्लॉग करना चाहो उसके साथ ये कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेबल हिलता भी नहीं है। अभी ये लगा दिया GoPro, यहाँ पे कर दिया सेट, उल्टा लगा हुआ ऐसे नहीं लगने का। अब चलो, ये आपका GoPro हो गया सेट। नहीं
रहेगा सेट फुल ऑन। इसको पहन के जहाँ मर्जी घूमो, जो भी रॉक क्लाइंबिंग करो, ट्रेवल करो, ऑल सेट टू गो टू रिकॉर्ड ऑल योर एक्सपीरियंसेस। दिस इज रिस्ट माउंट या रिस्ट ट्रैप बोल लो, और गोप्रोस GoPro is a cam, कोई भी एक्शन कैमरा, यू कैन यूज इट ऑन इट। आपको सीधा ये पहनना है, फुल ऑन टाइट कर लो, अपना GoPro सेट करना है, जो भी बड़ा रिस्की होने वाला एक हाथ के साथ, तो मैं सपोर्ट मांगूंगा। ये आपका GoPro सेट है आपके हाथ पे, रिस्ट पे। आप स्कूटी टलाए, स्कूटी बाइक के टाइम यूज कर सकते हैं, बट क्या होता है आपका रिस्ट हमेशा हिलता है एक्सेलरेट के टाइम पे। आप लेफ्ट में पहनेंगे तो आप क्लच यूज करते हैं, उस टाइम हो सकता है कोई ना कोई इसके बीच में विजन खराब हो, बट वैसे आप चलते टाइम इसको व्लॉग में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चेस्ट स्ट्रैप नहीं है तो आप रिस्ट स्ट्रैप कर सकते हैं यूज। तो जैसे दिस इज कॉल्ड हेड स्ट्रैप, अब मैंने GoPro पहले ही माउंट किया हुआ है। अब पुरानी मूवीज में जैसे कालिया थी, उसमें लोग हेलमेट पे टॉर्च लगाते थे कोयले की खान में जाने के लिए, तो वैसा ही कुछ सेटअप है। बट हाँ, जब भी आप इसके थ्रू व्लॉगिंग करो तो अपना सर बचा के चले, व्लॉगिंग के अंदर इतना ना घुस जाए कि आपका सर ही ठुक जाए, तो ध्यान रखिए। व्लॉग्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट्स ये तीन। दिस इज नोन एज मिनी ट्राइपॉड, इस पे आप अपना DSLR, GoPro कुछ भी लगा के ना कार्स के शॉट्स, बाइक के शॉट्स जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होते हैं वो ले सकते हैं। दिस इज फॉर बेसिकली DSLRs, इससे आप DSLR लगाओ, शॉट्स लो, बहुत प्यारे शॉट्स आते हैं। बट हाँ, अब पर्सनल व्लॉगिंग के लिए आप ये यूज़ करेंगे तो बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि DSLR का खुद का वेट होता है और इसका भी कुछ हद तक वेट होता है। अब आते हैं फाइनली गिम्बल पे। ये मैंने जो लिया है वो Digitech का गिम्बल है। अब इसमें क्या, आपने जैसे फ़ोन देख रहे हैं, ये सेटअप मेरा ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही से ब्लॉग करता हूँ बेसिकली। अब इसमें क्या है, आपका जो कैमरा है ना पूरा हिलता है, जो फ़ोन का कैमरा है, ऑल बिकॉज ऑफ द गिम्बल। ये सब इलेक्ट्रॉनिक है, एंड ये क्या है, टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है, इसमें रिप्लेसेबल बैटरी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट कभी कभार अच्छा डिस्काउंट चल रहा होता है तो 5-6 हज़ार रुपये में पड़ जाता है इसका भी। और एक DJI का है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है बट वो बहुत बेटर है। तो ये दो चीज़ों का कुछ खास रेट नहीं होता, बहुत अलग अलग ब्रांड्स का आता है। और आप ये इसको तो लेना ही चाहिए, चाहे आप GoPro के लिए लो, चाहे किसी भी एक्शन कैमरे के लिए लो, चाहे DSLR है DSLR के लिए लो, या फिर जो प्रॉपर व्लॉगिंग कैमरा जो लोग लेते हैं सोनी के, उसके लिए लेना है तो उसके लिए भी काफ़ी लोग ये यूज़ करते हैं। दिस इज़ रिकमेंडेड, सस्ता आता है। सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और किसी भी चीज़ का आपको डाउट हो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, और ब्रांड प्लस उसका प्राइस आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सो गाइस, मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेलमेट, ठीक है, जो आपकी सेफ्टी भी करेगा और आपको व्लॉग में हेल्प भी करेगा, प्लस चिन माउंट। मैं यूज़ करता हूँ ये वाला चिन माउंट, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एक GoPro का आता है जो बजट से बिल्कुल ही बाहर होता है, क्योंकि वो 5-6 हज़ार रुपये का सिर्फ और चिन माउंट है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये वाला, सस्ता है और पूरा अच्छा काम करता है। लोग काफ़ी माउंट्स चिपका लेते हैं चिन पे या फिर साइडों में, वो सब रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज जितने एडिशनल स्टिकर्स आप कुछ भी चिपकाते हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अब चेक करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, चिन माउंट अपने हिसाब से सेट करने के बाद GoPro लगाइए। थोड़ा सा हार्ड होता है इसमें, क्योंकि स्पेस की दिक्कत होती है। एक बार आपका GoPro सेट हो गया तो आप, जैसे आपको पता है GoPro की खुद की अपनी एक ऐप आती है, उसमें आप चेक कर सकते हैं इसको लिंक करके, उसी हिसाब से इसको सेट कर लो GoPro को कि कैसा कौन सा व्यू लेना है, और यार ऑल सेट टू गो, पहनो और फिर निकल जाओ, अभी नहीं वायरस के बाद प्लीज़। तो गाइस, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आप या तो कमेंट करो, या नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है उधर आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको रिस्पॉन्स भी करूँगा। और उसके बारे में अगर वीडियो चाहेंगे तो मैं प्योर एक उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। अभी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और मेरे को हो रही है नींद, मैं चला सोने, बाय।